हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पेट्रोल डीजल व रसोई गैस के बढ़ते दामों के विरोध में कांग्रेस ने पेट्रोल पंपों पर दिया धरना। देश में लगातार पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दामों में हो रही वृद्धि के विरोध में शुक्रवार को प्रदेश भर में सभी पेट्रोल पंपों पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा बढ़ते दामों के विरोध में धरना व प्रदर्शन किया गया। पेट्रोल पंप पर कांग्रेस वरिष्ठ नेता नरेंद्र मेवाड़ा व खेताराम माली नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा बढ़ते पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दामों के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। उप सरपंच महिपाल सिंह देवड़ा ने कहा, केंद्र सरकार के द्वारा पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम होने के बावजूद भी केंद्र सरकार के द्वारा इन सभी के दाम में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसके चलते मजबूर किसान गरीब आदमी का जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है। केंद्र सरकार ने रसोई गैस की सब्सिडी भी बंद कर दी गई है, जिसके चलते गरीब और मजदूर लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही मोटी रकम भी चुकानी पड़ रही है, जिससे उनकी जेब पर बहुत अत्यधिक भार पड़ रहा है, जिसके चलते आज पूरे प्रदेश और देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा नजदीकी पेट्रोल पंप पर पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, ताकि केंद्र सरकार की नींद खुले और इनके दाम कम किए जाएं। धरना प्रदर्शन के दौरान दर्जाराम राणा, सीलदर उप सरपंच महिपाल सिंह देवड़ा, जयमन माहेश्वरी, रतन सिंह देवड़ा, तलकाराम मेघवाल, भगवान राम पुरोहित, केरा राम चौधरी, माधाराम मेघवाल सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जागरूक टीवी की सीलदर से खास रिपोर्ट।